जनपद में सोमवार को जिला अस्पताल सहित कुल 141 केंद्रों पर रिकॉर्ड 26,987 कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 25,378 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,609 लोग शामिल रहे, जिसमें 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया कि 21 जून योग दिवस से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 7 ब्लॉकों पर टीकाकरण का कार्य किया गया। एडिशनल CMO ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 105 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक टीकाकरण कराया। उन्होंने बताया कि विकासखंड बेलघाट में 2,144, पिपराइच में 1,509, ब्रह्मपुर में 1,735, खजनी में 2,950, जंगल कौड़िया में 2,615, कैंपियरगंज में 1,889 और पाली ब्लॉक में 1,700 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने आए हुए नागरिक अशोक कुमार प्रजापति और एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा। आप लोगों को बुक करना पड़ेगा, आपकी उम्र का 45 साल से कम है। अशोक कुमार प्रजापति, मैं आया हूँ नई बाजार वैक्सीन लगवाने के लिए आया हूँ। मैं नई बाजार से आया हूँ और मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, तो मुझे पता चला था कि
गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सदर हॉस्पिटल पर जाओ, वहाँ पर एक काउंटर है, वहाँ पे आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट लेके आया था, पासपोर्ट और जो भी मेरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, चार डॉक्यूमेंट मैं लेके आया था। इन्होंने वेरीफाई किया और मुझे मेरा टोकन नंबर दे दिया और जाके मैंने अपना लगवा दिया। तो हार्डली मुझे 5 मिनट में मेरा वैक्सीनेशन हो गया और मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। और अभी भी बहुत से हमारे गाँव में, मैं इनफैक्ट मेरे गाँव में बहुत लोग हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि ये सेफ है, सबको लगवाना चाहिए, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, और लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। लगा ये हमारी सुरक्षा के लिए है। ये आज कुल 141 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। ये महाअभियान का पूर्वाभास अभ्यास किया जा रहा है, एक तरह से इसको रिहर्सल कह लीजिए, मॉक ड्रिल कह लीजिए। 1 जुलाई से हम लोग महाअभियान चलाएंगे, क्लस्टर के रूप में सारे ब्लॉक्स को बांटेंगे और तब एक एक क्लस्टर को संतृप्त करते हुए वैक्सीनेट करेंगे। आज हम लोग 7 ब्लॉक्स में एक एक क्लस्टर चयनित किया है और वहाँ टीकाकरण चल रहा है। आज पूरे जनपद में 141 जगहों पर टीकाकरण का काम हो रहा है और अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 8,500 से ऊपर डोज लग चुके हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में कितने केंद्र बनाए? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 105 केंद्र बने हैं।